हेलो गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स विद टीके। टुडे वी विल डिस्कस अ इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको एक वर्ड दिख रहा है, नंबर्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है नंबर्स क्या होता है। नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज योर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स के बारे में हमने काफी टाइम स्टडी कर लिया है, लाइक प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर एक्सेट्रा, आपके क्या होते हैं सब, ऑल नंबर्स आर ऑफ योर रियल नंबर्स। बट इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमने कभी स्टडी नहीं किया। क्लास 10th में भी हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हमको रूट फाइंड आउट करने होते थे, बट वहां पे हमने नहीं किए। लाइक आपने श्री आचार्य फॉर्मूला से ऐसे आता था वहां पे, डी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन यू हैव टू डिस्टिंक्ट रूट, यू हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स। When d square minus 4ac is equal to 0, then 2 equal roots. If d square minus 4ac is less than 0, that is your imaginary and you have left it here. आप इसको यहीं पे क्या कर देते थे, लेफ्ट कर देते थे, इसके आगे सोल्व नहीं करते थे। इसके आगे आप सोल्व इसलिए नहीं करते थे बिकॉज उस क्लास में हमारे पास ये टॉपिक नहीं था इमेजिनरी नंबर का। क्लास 11th में हम स्टडी करेंगे अबाउट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होता है आपका, इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का अंडर रूट क्या होता है आपका, इमेजिनरी नंबर। नाउ कम टू द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर, एक ऐसा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए इज योर रियल पार्ट एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट, एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए इज योर रियल पार्ट एंड बी इज योर इमेजिनरी पार्ट। आपकी एक्सरसाइजेस में आगे इसका यूज होगा। ये मैंने आपको सब डिस्कस करा दिया, बता दिया कि आपका क्या है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, कहां से आया है, और सब कुछ मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। अब आप देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आता है 6 + 5i, ये आपका क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने के लिए आप गिवन क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b से कंपैरिजन कर देंगे, एंड a इज योर रियल पार्ट। a प्लस आयोटा b से कंपैरिजन जब आप करेंगे तो a आपको किसके इक्वल शो हो रहा है, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मींस आपके जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल कब होंगे, ये आपको इसमें पता चलेगा और कैसे होंगे। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका जेड, लेट वे आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इफ z1 इज इक्वल टू z2, इफ z1 इज इक्वल टू z2, देन अगर आपका z1 z2 के इक्वल है, देन x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। मींस आपका रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। इफ z1 इज इक्वल टू z2, देन x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। ओके, नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज योर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर को एड कैसे करेंगे देखिएगा। इफ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। फॉर एडिशन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। रियल पार्ट को एक साइड कर दीजिए
एंड इमेजनरी पार्ट को एक साइड, देन रियो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस आयोटा आपका कॉमन आ जाएगा एंड वाई वन प्लस वाई टू। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे हो जाएगा, लेट जेड वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एंड जेड टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। हियर फॉर सब्ट्रैक्शन जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन माइनस एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन माइनस साइन की आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस माइनस माइनस आयोटा वाई टू। रियल पार्ट एक साइड कर दीजिए एंड इमेजिनरी पार्ट एक साइड। एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस आयोटा आपका कॉमन आ जाएगा वाई वन माइनस वाई टू। ओके, नेक्स्ट है आपका आयोटा इक्वल किसके होता है। अभी तक तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन चेक किया कैसे करेंगे, पर ये भी तो पता होना चाहिए आयोटा रिप्रेजेंट करता है हमारा इमेजनरी पार्ट को, बट आयोटा की अपनी कोई वैल्यू भी तो होगी। तो जो आयोटा की वैल्यू है आपकी, आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ माइनस वन। आयोटा की जो अपनी वैल्यू होती है वो होती है अंडर द रूट ऑफ माइनस वन, ठीक है। एंड आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी अंडर द रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर द रूट ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वॉट, माइनस वन। एंड आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, दैट इज योर माइनस वन। एंड माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर फोर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन, दैट इज योर वन। सो आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर फोर इज इक्वल टू वन। ओके, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में टू प्रॉपर्टी कराई अब तक, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में मीन इफ जेड वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, जेड टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, देन मल्टीप्लाई जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन मल्टीप्लाई एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन प्लाय एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, एक्स वन एक्स टू प्लस आयोटा एक्स वन वाई टू प्लस आयोटा एक्स टू वाई वन प्लस आयोटा स्क्वायर वाई वन वाई टू, देन एक्स वन एक्स टू प्लस आयोटा एक्स वन वाई टू प्लस आयोटा एक्स टू वाई वन। एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, दैट माइनस वाई वन इंटू वाई टू। रियल पार्ट एक साइड कर दीजिए, दिस इज योर रियल पार्ट, एंड इमेजनरी पार्ट में से आई को कॉमन ले लीजिए, देन एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन, दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज योर डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली लेट जेड वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एंड जेड टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। फॉर डिविजन जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन अपॉन एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। अब आपको डिविजन करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एक्स वन एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है आपका एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन मल्टीप्लाई एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू। ओके, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, जेड वन तो एज इट इज और वन अपॉन जेड टू, जेड वन इंटू वन अपॉन जेड टू को क्या लिख देंगे, जेड टू इनवर्स, इट मीन्स जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू इनवर्स। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टॉपिक का यूज आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने के लिए होगा, इसलिए मैं एक्सरसाइज कराने से पहले इस टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ। लाइक यू हैव गिवन दैट ए प्लस आयोटा बी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी।
आपको इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है. कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड बार. कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड बार. जेड बार कैसे फाइंड आउट करेंगे? रियल पार्ट आपका एज इट इज रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा. लाइक यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस के आयोटा बी. लाइक सेकेंड पार्ट इज जेड इज इक्वल टू 9 + 6 आयोटा. यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. देन जेड बार इज इक्वल टू 9 रियल पार्ट एज इट इज एंड इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा माइनस के 6 आयोटा. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी 5.1. हियर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी. द क्वेश्चन गिवन इज 5i - 3/5 iota. देन सॉल्यूशन. अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्टली यू हैव सीन दैट 5i इज आउटसाइड फ्रॉम द ब्रैकेट. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इन टू द ब्रैकेट. 5i - 3/5 iota. हियर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस 3 आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर. एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. यह आपने जो मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहली कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको पता चल. अगर आपको वीडियो में ये देखना है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ पे है तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा देन सेकेंड वीडियो. आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. हियर -3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 इज इक्वल टू -± दैट इज 3 इज योर आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19. हाउ कुड यू सॉल्व आयोटा टू द पावर 9? आयोटा टू द पावर 9 को आप आयोटा टू द पावर 4 में ब्रेक करने की कोशिश करिएगा. तो कैसे करेंगे इसकी पावर को ब्रेक? आयोटा टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2, 4 टू जा 8 एंड प्लस 1 दैट इज योर आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 3. देन आयोटा टू द पावर 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा टू द पावर 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा टू द पावर 3. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 4? दैट इज 1. हियर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा प्लस 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा क्यूब. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब? आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा. हियर आयोटा माइनस आयोटा दिस कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0. It means iota to the power 9 plus iota to the power 19 is equal to 0. Now, third part is your iota to the power minus 39. Iota to the power minus 39. अगर आपको पता है पावर नेगेटिव में है, इट मीन्स ये डिवीजन में थी. डिवीजन में ये पॉजिटिव थी. 1 अपॉन iota to the power 39 को आप कैसे ब्रेक करेंगे? iota to the power 4 इंटू 9 प्लस 3. 1 अपॉन iota to the power 4 की पावर 9 इंटू iota क्यूब. Iota to the power 4 is equal to 1. Then 1. And what is the value of iota cube? That is minus iota. Is equal to 1 upon minus iota. And minus iota cube multiply kar dijiye. Iota upon iota. Iota upon minus iota square is equal to iota upon. What is the value of minus iota square? That is 1. Hence iota is your answer. Now question number second is that एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी. मीन्स जो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको आपको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में राइट डाउन करना है, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी. फर्स्टली यू हैव ओपन द ब्रैकेट बाय मल्टीप्लाई 3 इन साइड. 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 इंटू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर. 3 7 सर 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा एंड हियर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन -7 एंड रियल पार्ट को एक साइड कर दीजिए. 21 माइनस 7 प्लस इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लीजिए एंड 21 प्लस 7. 21 माइनस 7 14 प्लस 21 प्लस 7 28 आयोटा. ये आपका एक्सप्रेस हो गया इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी. हियर ए इज इक्वल टू 14 एंड बी इज इक्वल टू 28. Second part is 1 minus iota minus minus 1 plus iota 6. Here 1 minus iota as it is and minus sign ki aap andar multiply kar dijiye minus minus plus 1 minus iota 6. 1 and 1 2
माइनस आयोटा कॉमन वन प्लस सिक्स देन टू माइनस सेवन आयोटा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, ये आपका एक्सप्रेस हो गया इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। हेयर ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू माइनस सेवन। ओके गाइज, नाउ थर्ड पार्ट इज वन अपॉन फाइव प्लस आयोटा टू अपॉन फाइव माइनस फोर प्लस आयोटा फाइव अपॉन टू। हेयर ओपन द ब्रैकेट्स, आयोटा टू अपॉन फाइव माइनस फोर माइनस आयोटा फाइव अपॉन टू। नाउ रियल पार्ट को एक्साइड कर दीजिए, वन अपॉन फाइव माइनस फोर प्लस आयोटा कॉमन टू अपॉन फाइव माइनस फाइव अपॉन टू। एलसीएम ले लीजिए एंड वन माइनस ट्वेंटी अपॉन फाइव प्लस आयोटा टेन फोर माइनस ट्वेंटी फाइव। नाउ वन माइनस ट्वेंटी माइनस नाइनटीन अपॉन फाइव प्लस आयोटा फोर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टेन। देन माइनस नाइनटीन अपॉन फाइव माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टेन आयोटा। This one is in the form of a plus iota b. Here a is equal to minus 19 upon 5 and b is equal to minus 21 upon 10. Now find the square root of a complex number. Find the square root. किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। गिवन क्वेश्चन इज दैट लाइक 3 प्लस 4 आयोटा। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप लेट कर लीजिए अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, आप लेट कर लीजिए जो स्क्वायर रूट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इक्वल है a प्लस आयोटा b के। आप किसी के भी इक्वल लेट कर सकते हैं, मीन्स x प्लस आयोटा y, बट a एंड b आपके जो होने चाहिए कॉन्स्टेंट होने चाहिए, अल्फाबेट होने चाहिए। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप इसका दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। Here we use the identity of a plus b ka whole square, that is a square plus iota square b square plus 2ab iota, and iota square is equal to what? Iota square is equal to minus 1. 3 plus 4 iota is equal to a square minus b square plus 2ab iota. Now compare real part and imaginary part. Compare real part and imaginary part. Imaginary part. Then a square minus b square is equal to 3, comma 2ab is equal to 4. Now you have to find a square plus b square. You have identity a square plus b square ka whole square is equal to a square minus b square ka whole square plus 2ab ka whole square. So put equation number first and second in equation number 3. Then a square minus b square is equal to 3 square plus 2ab is equal to 4 square. Then 3 is a 9 plus 4 for the 16. Now, a square plus b square whole power 2 is equal to 25. A square plus b square is equal to under the root of 25, that is 5. Now from equation number first and equation number 4, you have to find the value of a and b either by substitution method, elimination method. Okay, so I use elimination method. b square से b square आपका cancel out हो जाएगा and 2a square is equal to 8, a square is equal to 4 and a is equal to plus minus 2. Now put the value of a in given equation number first. Then a square minus b square is equal to 3. A square is equal. Now put the value of a and b is in this. We let under the root of 3 plus 4 iota is equal to what? A plus iota b. So we put the value of a and b in the this equation. Then a is equal to 2 and the b is equal to 1. Then 2 plus iota b and plus minus ka sign aap bahar laga dijiye. Then the square root of 3 plus 4 iota is equal to plus minus 2 plus iota b. Minus x plus 2 is equal to 0. First of all, you have to compare the given quadratic equation to the general form of equation. The general form of equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. On comparing, we get a is equal to 1, b is equal to minus 1 and c is equal to 2. Now put the values of a, b and c in the formula of finding the square root, which is x is equal to minus b plus minus under the root of b square minus 4ac upon 2a.
then x is equal to minus into minus 1 plus minus under the root of minus 1 square minus 4 into 1 into 2 upon 2 into 1. Then 1 plus minus under the root of 1 minus 8 upon 2. X is equal to 1 plus minus under the root of minus 7 upon 2. And under the root of minus 1 is equal to what? Is equal to iota. Then x is equal to 1 plus minus root 7 iota upon 2. Now you can write it like 1 plus under the root of 7 iota upon 2, comma 1 minus under the root of 7 iota upon 2. Now come to the question number 7. Question number 7 is under the root of 2x square plus x plus under the root of 2 is equal to 0. First of all, compare it with the general form of equation. General form of equation is what? General form is equal to ax square plus bx plus c. On comparing, we get a is equal to under the root of 2, b is equal to 1, and c is also equal to under the root of 2. Now, put the values of a, b, and c in the formula which we use for finding the roots of the equation, which is x is equal to minus b plus minus under the root of b square minus 4ac upon 2a. X is equal to minus 1 plus minus under the root of 1 minus 4 into root 2 multiply root 2 upon 2 root 2. Minus 1 plus minus under the root of 1 minus 8 upon 2 root 2. Minus 1 plus minus under the root of minus 7 upon 2 root 2. And under the root of minus 1 is equal to iota. So we can write it like that, plus minus root 7 iota upon 2 root 2. X is equal to minus 1 plus root 7 iota upon 2 root 2, comma minus 1 minus root 7 iota upon 2 root 2. Now come to the question number 8. Question number 8 is root 3 x square minus root 2 x plus 3 root 3 is equal to 0. First of all, you have to compare the given quadratic equation to the general form of equation. And what is the general form of equation? Which is ax square plus bx plus c is equal to 0. Now a is equal to under the root of 3 and b is equal to minus under the root of 2 and c is equal to 3 root 3. Now put the values of a, b and c in the formula which we use for finding the roots. X is equal to minus b plus minus under the root of b square minus 4ac upon 2a is equal to, b is equal to what? B is equal to minus root 2 plus minus under the root of minus root 2 square minus 4 into root 3 into 3 root 3 upon 2 into root 3. Root 2 plus minus under the root of 2 minus 36 upon 2 root 3. Then minus 2 plus minus under the root of minus 34 upon 2 root 3. And under the root of minus 1 is equal to iota. Then root 2 plus minus root 34 iota upon 2 root 3. X is equal to root 2 plus root 34 iota upon 2 root 3, comma root 2 minus under the root of 34 iota upon 2 root 3. Okay guys, this is all about the exercise 5.3 of quadratic equation. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel.